अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पाक बंगला रिएक्ट। मेरा नाम अहमद बास है और मेरा नाम सलमान। तो फ्रेंड्स, आज लेके आए हैं बहुत ही कमाल का टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हमारे लिए तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इससे हमें बहुत ज्यादा मालूमात मिलने वाली है। टॉपिक जो है वो है व्हाई बांग्लादेश इकॉनमी इज बेटर देन पाकिस्तान, के पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बांग्लादेश की जो है वो पाकिस्तान से क्यों ज्यादा है। ऐसे ही सलमान भाई, बेटर है ज्यादा, क्यों मतलब अच्छी है, बेहतर है या ज्यादा है, इस हवाले से आज ये वीडियो है और इसमें देखते हैं, इसमें सवालात जवाबात होंगे हमारे जो जहन में सवालात हैं कि क्यों है और पाकिस्तान पीछे क्यों है बांग्लादेश से, तो उसका जवाब भी आज हमें इस वीडियो में मिलने वाला है। सलमान भाई, आप हमें पता है कि भाई बांग्लादेश आगे है, बहुत आगे है यार, स्ट्रगल उसकी देखा है, कमाल की है उसकी, बहुत कम अरसे में इन्होंने स्ट्रगल करके ना अपनी इकॉनमी को बिल्कुल अच्छा किया है, अच्छा किया, काफी बेहतर बेहतर किया, काफी ज्यादा पाकिस्तान से तो बेहतर होगी ना। हाँ, सही बात, वो भी कम अरसे में। दूसरी बात यह है कि लोगों की राय देखते हैं कि यार वो क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, उनका क्या नजरिया है इसमें। तो मेरे ख्याल में यार ये पाकिस्तान के लोगों से ही पूछा जाएगा या पब्लिक का है ना, पब्लिक रिएक्शन। तो फ्रेंड, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया और चलते हैं वीडियो की तरफ। किस तरीके से आप अपने बिजनेस को चला सकते हैं? तो एक ही कारोबार है, एक ही जुबान में कारोबार होता है उनका, हर चीज सेम है उनकी। अस्सलाम वालेकुम, पब्लिक रिएक्शन शो में मैं हूं आपका होस्ट अतीकुर रहमान। आज की हमारी वीडियो रिकमेंड की गई थी कि हम पाकिस्तानियों से पूछें कि बांग्लादेश की इकॉनमी जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर है, इसी हवाले से पाकिस्तानियों से राय लेते हैं कि क्या वजूहात हैं कि बांग्लादेश की इकॉनमी जो है वो हमसे ज़्यादा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? उसामा जमील। अली रजा। मलिक अली खोकर। मोहम्मद हमजा। सर, मुझे ये बताइए कि बांग्लादेश की इकॉनमी सिचुएशन पर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, जहाँ पे ना जो स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, वो एक कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर अपना इंपैक्ट ज़रूर क्रिएट करती हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये कहते हैं कि जी हमारे पास इतना पैसे होंगे तो हम अपना काम करेंगे। अब जिस तरीके से स्टार्टअप्स आते हैं, जिस तरीके से आप कम कॉस्ट के साथ आप किस तरीके से आप अपने बिज़नेस को चला सकते हैं, तो आई थिंक, और उसमें एक और चीज़ की जी आप अपनी प्रोडक्ट का, अपने ब्रांड का बहुत ख्याल रखते हैं। 1971 में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, ठीक है, तो तब एक नया मुल्क जब स्टेबल होता है ना, तो उसके उसको अपने अपनी स्टेबिलिटी के लिए बड़ा टाइम लगता है बहुत। और जैसे बांग्लादेश हुआ है, मैंने बहुत सारे ममालिक देखे जो आज अभी तक भी नहीं हो सके, तो उन्होंने अपना माशाल्लाह बड़ा अच्छा स्टेबल किया है खुद को, उनकी इकोनॉमी भी प्लस में जा रही है, 1.7 2 पॉइंट इस तरह से, तो वो यानी आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की नस्बत बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है ना, मच बेटर, ठीक है, क्यों? उसका रीज़न एक ये है कि हमारे जो इधर सेक्टर्स हैं ना और इंस्टीट्यूट्स हैं, वो इतने सिक्योर नहीं है जितने उनके, ठीक है, आप इधर की फैसिलिटीज़ देख लें। उन्होंने इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा किया हुआ जो कि पाकिस्तान में लैक है, उनकी एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान से बेहतर हो रहा है आए दिन, उन्होंने इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में ज़्यादा कर रहा है, पाकिस्तान फैक्ट्रियाँ लगा रहा है, पाकिस्तान में ऐसा कोई भी नहीं है। बांग्लादेश की इकनॉमी जो है ना वो दिन ब दिन ऊपर जा रही है, और उसकी बनस्बत पाकिस्तान की जो इकनॉमी है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रही, क्योंकि हम जो है ना उस हिसाब से मेहनत नहीं कर रहे। बांग्लादेश ने बहुत कम टाइम में अपनी इकॉनमी सिचुएशन को बेहतर किया है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को क्या कुछ सीखना चाहिए बांग्लादेश से? पाकिस्तान को अपनी ये इंडस्ट्रीज़ के मामले में सीरियस होना बेहतर है, और ये टूरिज्म को भी करें जिससे बाहर के लोग आएंगे, पता चलेगा पाकिस्तान एक वाकई ये मुल्क है। अगर आप 1971 से पहले भी देखें तो उस वक्त भी हमारी जो मेन फाइनेंशियल हब था वो बांग्लादेश ही था, दैट वाज ढाका, और 1971 के बाद भी अगर आप इन्होंने जब बांग्लादेश बना, तो उनके बाद से वो तमाम की तमाम उन्होंने जो एक्टिविटीज़ ऐसी की जिनकी वजह से, या उनकी स्ट्रैटेजीज़ ऐसी थी जिनकी वजह से बिज़नेस जो है वो फ्लरिश किए गए। हमारे साथ यहाँ पे अगर आप पाकिस्तान के साथ उनका मुवाजना करें तो वो ये होता है कि एक तो हमारे बिज़नेस फ्रेंडली नहीं हैं लोग, कि अगर कोई ज़िंदगी में कुछ चाहता है कि जी कोई बिज़नेस करना चाहे, तो वो उसको माशाल्लाह इतनी ज़्यादा फाइलों में लगा देते हैं कि जिनके अंदर वो कहता है कि यार मैं करता ही नहीं था, मैं जा रहा हूँ। बंगाली थे, यानी कि जो हिंदुस्तान के साथ इलाका लगता था, ठीक है, वो अलग हो गए, वो एक कौम है, एक पूरा उसमें कोई ईसाई हिंदू टाइप ये चीज़ें नहीं है, वो एक पूरी एक उनकी बंगाली एक ही लैंग्वेज है, पंजाबी ये या उर्दू या इंग्लिश, उसमें ये उन्होंने इंक्लूड चीज़ें नहीं है, उनकी एक ही ज़ुबान है, उनका एक ही कारोबार है, एक ही ज़ुबान में कारोबार होता है उनका, हर चीज़ सेम है उनकी,
ड्रेसिंग उनकी एक ही अपनी उन्होंने जो उनकी है अपने माहौल के मुताबिक हर चीज़ उनकी एक जैसी है, तो वो अपने कल्चर को लेके आगे चल रहे हैं, अपनी लैंग्वेज को आगे लेके चल रहे हैं, उसी के मुताबिक अपने कारोबार जो होते हैं ना उसी के हिसाब से आपकी इकोनॉमी ऊपर नीचे आती है। पाकिस्तान को पहले तो अपने इदारे स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, ठीक है, ये जो गवर्नमेंट के जो रीजंस है ना उनकी आपस की लड़ाई की वजह से हमारी इकोनॉमी नीचे जाती जा रही है, पहले तो ये स्टेबल होना चाहिए। मैसेज फॉर पाकिस्तानी गवर्नमेंट और बांग्लादेशी गवर्नमेंट। मैं तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को यही कहूँगा कि बस जो से बेचारे मजदूर तबका है, जो से नीचे वाला तबका है उसको ऊपर लेकर आए और पाकिस्तान की इकोनॉमी ऊपर की जाए ताकि इंडस्ट्रीज लगाएं यार। सी पैक पे इधर भी लग सकती है, इधर भी लग सकती है। आप लोग पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को तबाह करी जा रहे हैं, वो सब्सिडिटी नहीं दे रहे, इसकी वजह से पाकिस्तान नीचे से नीचे जाए। जी बांग्लादेशी तो माशाल्लाह ठीक हैं, उधर सब मुसलमान भी हैं, और दूसरा कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है यही है कि अब अल्लाह उनको हिदायत दे, बाकी उनको आनी तो नहीं है। स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप अगर 80s में देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको रूल ऑफ माशाल्लाह आपको नज़र आएंगे बांग्लादेश के अंदर भी, लेकिन आपको अब आप अगर आप वो देखें तो वो उनकी एक जो स्पेल ऑफ डेमोक्रेसी है वो उसका बेहतर हालात में चल रहा है। तो वो मेरे ख्याल से कि अगर आप डेमोक्रेसी को आप पनपने देते हैं तो डेमोक्रेसी हैज़ इट्स नेगेटिव पॉइंट्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो जो लोगों की सोच है उसके साथ ही हमें चलना चाहिए। और लास्ट में सिर्फ एक बात करूँगा कि हर कोई इंसान अगर अपना काम अच्छे तरीके से कर लेगा तो आप पाकिस्तानी रुपए को भी देखेंगे कि वो किस तरीके से बढ़ता है और किस तरीके से पाकिस्तान सुपीरियर होगा इंशाल्लाह। तो नाज़रीन कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह। सलमान भाई वैसे बात तो ठीक है पाकिस्तानी पब्लिक की कि पाकिस्तान के जो हैं वो इदारे सिक्योर नहीं है, उसके बाद इंडस्ट्रीज़ जो है ग्रोथ में नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं है, बस जो लेवल में हैं तो बस वही हैं, वो मतलब फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान में जा रही हैं। ज़ाहिर है हुकूमत उनको गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे रही, बिल्कुल उनको थोड़ा सा ऊपर उठाए, उठाना चाहिए, सही बात है, हेल्प देनी चाहिए गरीब तबके को। मतलब ये है कि भाई अभी एक भाई ने कहा और उसने बहुत 100% सही बात की है कि एक पाकिस्तानी है ना कौम है ये, तो ये छोटा काम करना नहीं चाहती, ये कहती है हम बड़ा काम करेंगे, बड़े से शुरू करेंगे, सही बात, छोटा काम को स्टेबल करो आगे बढ़ता जाएगा वो बड़ा हो जाएगा। तो पाकिस्तानी आवाम ये कहती है पाकिस्तानी पब्लिक के हमें बड़े से शुरू करना है, बेशक उसके लिए उनके पास कुछ हो ना हो, बस अगर नहीं है तो बस ना वो होगा इतना ज्यादा इन्वेस्ट, ना वो काम शुरू करेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार। कारोबार देखो तो यार ग्रो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, सही बात ये है कि जैसे एक भाई ने बताया कि यार ऐसे भी बिजनेस होते हैं कि वहाँ पे फाइलों पे फाइलें भी आती हैं, मतलब ये कि एक बिजनेस शुरू करो उसके भी टैक्स ये फिर ये उसका, असल में सही उन्हें मशवरा नहीं दिया जाता। एक कोई बिजनेस कर रहा है ना, अगर आप कोई कर रहे हो बिजनेस, मैं आके आपसे पूछता हूँ उस हवाले से कि यार मुझे भी ये बिजनेस करना है, तो आप मुझे सही राय नहीं दोगे, आप मुझे उल्टा मतलब कि वो फाइलों में फंसा दोगे, तो मैं सोचूंगा कि यार इसको क्या करना है, ये क्या अजाब बन गया मेरे लिए, छोड़ दोगे दिल ही हट जाएगा, ऐसी बात है। तो फ्रेंड्स ये गवर्नमेंट का जो है ना बांग्लादेश की गवर्नमेंट है ना उसको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बाकी स्टेबल किया काम को, अपनी इंडस्ट्रीज को भी उठाया ऊपर और जो है ना काफी ज्यादा बिजनेस भी वहाँ पे मेहनत करती है, वर्ल्ड वाइड बिजनेस है वहाँ पे, ये नहीं कि लोकल टाइप, वर्ल्ड वाइड है, बहुत बड़े बड़े बिजनेस है वहाँ पे माशाल्लाह उनकी यार। बाकी तो फ्रेंड्स सलाम है बांग्लादेश को, बांग्लादेश के लोगों को, इस वीडियो को देख के बहुत अच्छा लगा और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हमें। इस वीडियो के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।